आज बनाएंगे एक और मिठाई जिसे आप रक्षाबंधन के त्यौहार पर इजीली फटाफट से पांच से दस मिनट में बना सकते हो ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है और फटाफट से बन भी जाती है तो आज हम बनाएंगे टोपरा पाक इसे मैंने बहुत ही इजी मेथड से बनाया है तो जो भी बिगनर्स है वो भी इसे इजिली बना सकते हैं तो टोपरा पाक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिए हैं काजू तो ये मैंने टुकड़ा काजू लिए हैं और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं मेजरिंग कप तो यहाँ पे मैंने वन थर्ड कप की क्वांटिटी वाला कप लिया है और उसमें डाल दिए हैं काजू तो यहाँ पे हमें वन थर्ड कप काजू चाहिए और उसे डाल देंगे एक ब्लेंडिंग जार में अब ले लेंगे इलायची तो यहाँ पे हमें दो से तीन इलायची चाहिए टोपरा पाक के अंदर इलायची का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है तो यहाँ पे मैंने तीन इलायची ली है और इन्हें इस तरह छील के डाल दिया है ब्लेंडिंग जार में अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो चलिए अब काजू और इलायची का हम पाउडर बना लेते हैं तो इसे हमें पल्स मोड पे पीसना है ताकि काजू में से जो ऑयल है वो रिलीज ना हो जाए अगर ऑयल रिलीज होगा तो काजू अच्छे से पीसेगा नहीं तो इस तरह मैंने इसे पल्स मोड पे चला लिया है और ये देखिए अच्छे से फाइन पाउडर बन गया है चलिए अब ले लेते हैं एक नॉनस्टिक पैन आप कोई सा भी पेन ले सकते हो लेकिन अगर नॉनस्टिक लोगे तो बेटर रहेगा तो यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पेन ले लिया है और अब नॉनस्टिक पेन में डाल देंगे डेढ़ कप भर के दूध तो यहाँ पे मैंने मेजर करके लिया है तो यहाँ पे मैंने एक कप पूरा डाल दिया है और आधा कप भर के डाला है मतलब कि टोटल मैंने डेढ़ कप दूध ले लिया है और अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा केसर क्योंकि तो यहाँ पे हम फूड कलर का यूज नहीं करेंगे तो केसर डालेंगे तो जो टोपरा पाक है उसमें कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा और केसर का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आएगा तो मैंने दो चुटकी भर के केसर डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और अब इसके अंदर डाल देंगे एक कप भर के मिल्क पाउडर और इसे इस तरह हम मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को हम अभी एकदम लो रखेंगे जब तक की ये मिल्क पाउडर अच्छे से गूल ना जाए और अब गैस की फ्लेम को हमें हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पे इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसके अंदर एक उबाल ना आ जाए तो आप देख सकते हो कि ये जो दूध है उसमें उबाल आ गया है और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे नारियल का बुरा यानी टोपरानू छीण तो इसके अंदर हमें दो कप पर के नारियल का बूरा चाहिए तो दो कप इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को हम अब एकदम लो रखेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हो कि अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसके अंदर एड कर देंगे काजू और इलायची वाला पाउडर और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है गैस के फ्लेम को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से सेक लेना है मिक्सर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क तो यहाँ पे मैंने वन थर्ड कप जितना कंडेंस मिल्क लिया है अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी का भी यूज कर सकते हो तो आप वन थर्ड कप चीनी इसके अंदर एड कर सकते हो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब लास्ट में तीन चम्मच भर के डाल देंगे घी और दो से तीन मिनट अच्छे से इसे हम पका लेंगे दो से तीन मिनट में आप देख सकते हो कि ये जो मिक्सचर है वो पैन को छोड़ने लगा है मतलब कि ये जो हमारा टोपरा पाक का मिक्सचर है वो एकदम रेडी है चलिए अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने ले ली है एक थाली और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी स्प्रेड कर लिया है और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है टोपरा पाक वाला वो इसके अंदर हम डाल देंगे और स्पेचुला से हम इसे अच्छे से फैला लेंगे अगर आप चाहो तो इस मिक्सचर से लड्डू भी बना सकते हो लड्डू बनाकर उसे टोपरा का छीण मतलब के नारियल के बुरे से हम कोट कर लेंगे तो बढ़िया से लड्डू भी बनकर रेडी हो जाएंगे तो आप जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह आप बना सकते हो तो ये लीजिए सारे मिक्सचर को मैंने थाली में अच्छे से फैला लिया है और अब इसमें लगा लेंगे कट तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर पीसेस में इसे कट कर लिया है और अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे ताकि हमारा टोपरा पाक देखने में बहुत ही बढ़िया लगे तो यहाँ पे मेरे पास है पंपकिन सीड्स और इससे मैंने इसे अच्छे से गार्निश कर लिया है थोड़े से मैंने कॉपर लिवस भी डाल दिए हैं जो एडेबल है तो अगर आपके पास इस तरह का कुछ नहीं है तो आपके पास जो भी है ड्राई फ्रूट्स वगैरह उससे भी आप इसे गार्निश कर सकते हो तो ये लीजिए टोपरा पक हमारा एकदम रेडी है देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ तो ये देखिए केसर की वजह से इसमें कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं वो आपके नजदीक की शॉप में इजीली अवेलेबल हैं, तो आप इसे इजीली बना सकते हो तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय जय श्री कृष्णा